फ्रेंड्स, आपका गौरव की चाहत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एक अंडे का ऐसा डिश बनाने वाले हैं जिसको हम पूड़ी, चावल और रोटी दोनों तीनों के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। चलिए इसका बनाने का तैयारी करते हैं। जिसके लिए हम लोग दो टमाटर लेंगे, इसे काट लेंगे, लहसुन लेंगे और प्याज लेंगे, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। चार अंडा लेंगे। चलिए बनाते हैं। और हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे। अब सरसों या रिफाइंड जो चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और इसे पैन में फैला लें कढ़ाई में। और इसमें हम लोग प्याज डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। जब तक ये आधा फ्राई ना हो जाए तब तक हम लोग को फ्राई करना है। आप दो अंडों से भी बना सकते हैं लेकिन हम लोग चार बनाए। इसे चला ले और इसे हाफ कुक होने तक इसे पकाएं। ये देखिए, बीच बीच में चलाते रहें। ये देखिए, चला ले, अभी भी ये पका नहीं है, इसे और पकाएंगे। अब इसमें लोग टमाटर डाल देंगे, फिर अब दोनों को साथ में पकाएंगे। पहले हाफ कुक हम लोग को प्याज करना है, फिर उसके बाद टमाटर डाल के करना है। टमाटर पहले इसलिए नहीं डालते कि उसमें पानी रहता है और उसकी वजह से प्याज अच्छे से पकती नहीं है, मॉइस्चर आ जाता है ज़्यादा। बहुत ही कम मसाले, कम चीज़ों में ये बनेगी। ये लहसुन और गोलकी का पेस्ट है, वो हम लोग डाले हैं। अब इसमें हम लोग हल्दी पाउडर डालेंगे, मिर्ची पाउडर डालेंगे। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। ये गोलकी पाउडर भी डाल देंगे थोड़ा सा। इसमें हम लोग पानी डाल देते हैं, ज़्यादा पानी नहीं, तुम थोड़ा सा पानी डालना है बस इसको, मसाले को मिलाने के लिए और थोड़ा सा पकाने के लिए। ये देखिए, इस तरह ग्रेवी जैसा हो जाएगा एकदम थोड़ा सा पानी में ही। हम लोग इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इसे चला ले। अब हम इसमें साइड से अंडे डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से तोड़ के इसे चार कोने में डाल लेंगे। एक डाल दिए हैं, थोड़ा सा गैप दे के दूसरा अंडा डाल देंगे और थोड़ा सा गैप दे के तीसरा अंडा डाल देंगे। इस तरह से और थोड़ा सा गैप देके चौथा अंडा। ये बहुत ही ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी टेस्टी लगता है। ये देखिए, इसे हम लोग ढक के थोड़ा सा पका लेंगे, सीम करके गैस को पका लेंगे अच्छे से। धीरे धीरे ये कुक हो जाएगा, हाई रखेंगे तो नीचे से जल जाएगा। ये देखिए, अब हम लोग इसे चार पार्ट में इसे इस तरह से कट कर लेंगे और इस तरह से चारों पार्ट को इस तरह से हम लोग जब कट करेंगे तो इसे साइड साइड से इसे फोल्ड कर देंगे। देखिए, इधर से भी हम लोग कट कर देते हैं, उधर से नहीं करेंगे, इधर से कर लेते हैं। अब इस साइड से भी थोड़ा सा कट कर देते हैं। ये देखिए, हम लोग इससे कट करके फोल्ड कर लिए हैं, चारों को अलग अलग कर लिए हैं और इसे हम लोग अब पलट दिए हैं और पलट के हम लोग इसे भी पका लेंगे। ये देखिए, अभी अंदर से कच्चा है इसलिए भी हम लोग को और इसे थोड़ा देर पकाना है। ढक के एकदम सीम पे करके अच्छे से पका लें।
ये देखिए ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगता है और ये बहुत जल्दी झटपट बन जाता है। आप नाश्ते में, लंच में, डिनर में, इवनिंग में भी बना सकते हैं। ये देखिए हम लोग इसे पूड़ी के साथ, चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। और इस तरह से ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगता है खाने में। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें।